How are you? I hope you all are doing great, guys. My name is Rupam. Welcome to my channel. And today's video is going to be very interesting video because in today's video I'm gonna share 5 amazing tips for your glowing skin. And guys, अगर इन सारे tips को अगर follow करते हो आप तो naturally you अपने skin को healthy and glowing बना सकते हो ना. Because वो ये जो भी tips मैं share करूँगी that is really really important tips because वो natural process से आप थोड़ा सा time लेके अपने skin को बहुत ज़्यादा healthy बना सकते हो because अगर हम बहुत सारे मार्केट प्रोडक्ट पे डिपेंड हो जाएंगे या फिर मेकअप पे डिपेंड हो जाएंगे तो हमको हमारी स्किन ही अच्छी नहीं लगेगी बिकॉज एवरी टाइम यू कांट डिपेंड ऑन मेकअप एंड ऑल. बहुत टाइम यू नो हम नेचुरल दिखना ही ज्यादा प्रेफर करते हैं. इफ यू रियली वांट टू मेक योर स्किन ग्लोइंग फॉर अ लॉन्गर टाइम सो आपको उसको नेचुरल तरीके से करना होगा एंड उसी के बारे में बात करने वाली हूँ. वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला गाइस एंड छोटे छोटे टिप्स हैं बट गिव अ ट्रेमेंडस चेंज इन योर लाइफ बिलीव मी बिकॉज वो सारी चीज़ें मैं खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ तो आई हैव सीन अ ड्रास्टिक चेंज इन माई लाइफ. सो डेफिनेटली वो सारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मेरी खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड शेयरिंग है एंड दैट इज रियली फैक्ट बिकॉज यू नो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर करते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट सोशल साइट से बहुत सारे लोगों से बट यू नो वी नेवर फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन. हमें फोकस करना है इम्प्लीमेंटेशन पे बिकॉज आप अगर कितना भी नॉलेज ले लेते हो कहीं से भी ले लेते हो उसे अगर करती नहीं हूँ अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली दैट नॉट गोना वर्क. वो यूजलेस होता गाइस टोटली यूजलेस बिकॉज इस चीज़ को मैंने पर्सनली रियलाइज किया है एंड पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है. तो ये सारी चीज़ें आई थॉट कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जो कि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं यू नो बेनिफिट्स देगा और यूजफुल होगा आप लोगों के लिए. बिलीव मी अगर आप इस चीज़ को सीरियसली फॉलो करते हो तो आप एक लंबे टाइम के बाद बिकॉज जो भी चीज़ें यू नो जो आप नेचुरल प्रोसेस करते हो नेचुरल चीज़ों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप एक दिन में उसके रिजल्ट नहीं देख सकते हो एंड इट टेक्स टाइम और वो टाइम लेता है गाइस एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर सेल्फ. आपको पता भी नहीं चलेगा बट यू नो सामने वाला जरूर नोटिस करेगा. क्या जो भी टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ आज ऑलमोस्ट आप लोग कुछ ना कुछ टिप्स उसमें से पता ही होगा बट पता होना इट डजेंट मैटर बिकॉज आप उसे अगर अपनी लाइफ में करते नहीं हो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है जीरो है तो दैट्स नॉट गना वर्क. पता होना चीजें बहुत सारी चीजें मुझे भी पता है आपको भी पता है मगर आप वो चीजें नहीं करते हो तो आई थिंक दैट इज यूजलेस कंप्लीटली यूजलेस है. सो या आई एम गोना टॉक अबाउट दैट टिप्स एंड आई एम गोना शेयर 5 टिप्स एंड विच रियली गोना वर्क इज माय फर्स्ट टिप्स एंड आई विल टॉक अबाउट द यू नो टू कीप हाइड्रेटेड योर सेल्फ. अपने आप को खुद को बहुत ज्यादा हाइड्रेट रखो. सो फॉर दिस यू नीड टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. इसके लिए आपको बहुत सारा पानी पीना होता है बिकॉज अगर आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड नहीं रखोगे तो आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई खिंची खिंची बिल्कुल यू नो अनहेल्दी सा लगेगा. सो इसके लिए आपको बहुत सारा पानी पीना जरूरी है. आई एम गोइंग टू टेल यू लाइक 3 लीटर पीना है 2 लीटर पीना है 4 लीटर पीना है कितना पीना है बिकॉज आपके बॉडी की जितनी भी वाटर की रिक्वायरमेंट है टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड तो उतना ही पानी पीजिए. अगर आपको लगता है कि आपको 2 लीटर में आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है तो डेफिनेटली 2 लीटर पानी इन अ डे आप कंज्यूम कर सकते हो. अगर आपको लगता है गाइज कि आपको 3 लीटर पानी की जरूरत है तो डेफिनेटली यू ड्रिंक 3 लीटर ऑफ वाटर बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी बिकॉज आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है आपको कितना लीटर पानी कंज्यूम करना है इट्स टोटली अप टू यू. बट जनरली हम बात करते हैं तो हमें 2 से 3 लीटर पानी हमें रेगुलर बेसिस पे पीना चाहिए बट आप उसे ज़्यादा भी पी सकते हो एंड उतना भी पी सकते हो इट्स टोटली अप टू यू बट कीप हाइड्रेटेड. आप अपने माइंड में सेट कर लो एक अलार्म टाइप से कि लाइक मुझे इतना पानी देते टाइम पे पीना है बिकॉज डिसाइड योर टाइम बिकॉज जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप मॉर्निंग में कंज्यूम करते हो दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ और उसके बाद आफ्टरनून में उससे थोड़ा सा कम एंड नाइट में थोड़ा कम पानी पीना चाहिए एज पर रिसर्च जो भी रिसर्च उसके अकॉर्डिंग. तो गाइज ये मेरा फर्स्ट टिप्स है और मैं कैसे करती हूँ डेफिनेटली आई एम गोना शो यू. We'll be right back.
टू शेयर द नेक्स्ट टिप्स एंड दैट इज यू मेंटेन अ गुड स्किन केयर रूटीन, बिकॉज आप अच्छा एक स्किन केयर रूटीन मेंटेन करते हो तो डेफिनेटली आपका स्किन ग्लो करेगा जो कि नेचुरली करेगा. एंड गाइज डोंट गो फॉर योर सोप लॉट्स ऑफ फेस वॉश एंड ऑल, बिकॉज आप यूज कर सकते हो डेफिनेटली, बट यू नो घर पे भी स्किन केयर रूटीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है जो कि आप नेचुरली कर सकते हो. बहुत सारी चीजें यू नो आपके घर पे अवेलेबल है, इजिली आपके किचन में है, जो कि आप यूज करके अपने स्किन को ग्लोई बना सकते हो. सो मैं कैसे करती हूँ अपने स्किन केयर रूटीन को, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर. लेट्स सी. ये सारी चीजें करने के बाद यू नो आप अपनी स्किन को हेल्दी ग्लोई बना सकते हो. एंड नाउ आई एम मूविंग टू माय टिप्स नंबर, डू समथिंग फॉर योर बॉडी, फॉर योर सोल. लाइक यू कैन डू मेडिटेशन, यू कैन डू योगा, यू कैन डू एक्सरसाइज, एनीथिंग, इट्स टोटली अप टू यू. और यू कैन डू वॉकिंग एज वेल. तो आप कुछ भी कर सकते हो इस चारों में से, बिकॉज ये भी बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए. बिकॉज हमारे बॉडी में जितने भी बैड टॉक्सिन्स होते हैं एंड जो भी गंदगी होती है उसे फ्लश आउट करना बहुत जरूरी होता है. एक्सरसाइज करके स्वेट के थ्रू एंड आप जब फ्रेश हो लेते हो उसके थ्रू आप अपने बॉडी से फ्लश आउट कर देते हो. तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू डू योगा, एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग, वॉट एवर सूट्स you definitely you go and do pranayam ya yoga agar karte ho to then you are going to feel your breath. aap apne breath ko feel karte ho, apne aap ko apne aap se you know connect karte ho khud ko and you will feel you know amazing. believe me aap aisa karke dekho, because main karti hu ise to I feel somewhere connected to myself. main bahut zyada apne aap se connected feel karti hu. I love to spend time with myself. main khud ko bahut zyada samay deti hu aur akele hi you know time spend zyada पसंद करती हूँ. कि माइंड में क्लैरिटी आएगी, आप चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे. तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसमें एक्सरसाइज को भी इंक्लूड कर सकते हो गाइस, बिकॉज एक्सरसाइज करने से यू नो आपके बॉडी से जितने भी बैड टॉक्सिन्स होंगे वो कंप्लीटली यू नो स्वेट के थ्रू निकल जाएंगे, जिससे यू नो आपकी स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग दिखेगी. क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत करती हूँ अपने घर पे. एंड मैं कैसे करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूंगी जरूर. आप देखो
give you know tips that is you know massage your body with oil. आप oil के साथ अपनी body को massage करिए. If possible तो do it on daily basis. अगर possible नहीं है तो you can do twice or thrice in a week आप कर सकते हो. Because body में oil की बहुत बड़ी requirement है. Because आप अगर body को अपनी काफी अच्छे से oil से massage करते हो तो आपका skin बहुत ही ज़्यादा glowy दिखेगा. बिलीव मी, बिकॉज ये मैं पहले बहुत करती थी. इनफैक्ट मैं सेल्फ नहीं कर पाती तो मैं किसी की हेल्प लेके यू नो बॉडी मसाज लेती थी. लाइक कोई आंटी वगैरह कर देती थी तो उस तरीके से. सो आई कम्प्लीटली लव दिस प्रोसेस. इससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा टाइटन एंड ग्लोई दिखती है. इफ यू विल टेक अ मसाज ऑफ ऑयल, आप कोई भी को ऑयल ले सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू नो द बेस्ट ऑयल, दैट इज अ कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल बहुत ही बेस्ट ऑयल है और ग्लोइंग स्किन. अगर आप कोकोनट ऑयल से नहीं करना चाहते तो यू कैन गो फॉर द देसी घी. देसी अगर आप घर का बना हुआ कोई प्योर देसी घी लेते हो उससे भी बॉडी मसाज करते हो, That gonna help you. वो भी आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से ग्लोई बनाएगा. बिकॉज ये सारी चीज़ें मैंने अपने लाइफ में बहुत ही इंप्लीमेंट किया है एंड किया है. तो गाइज literally इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं मुझे. इट विल टेक हार्डली 15 मिनट्स. आपको अपने पूरे बॉडी को मसाज करने में 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे. बिकॉज इतना टाइम तो खुद को देना बनता है फॉर योर हेल्थी एंड ग्लोइंग स्किन. तो या एंड आप देखना कि मैं कैसे करती हूँ अपनी बॉडी को मसाज. टिप्स नंबर 4 दैट इज ईट हेल्दी. एंड सभी को पता है, इनफैक्ट एवरीबडी नोज की लाइक ईट हेल्दी, बट वॉट इट्स मीन एग्जैक्टली, इसका क्या मतलब होता है हमारी लाइफ में ईट हेल्दी का. क्योंकि जितने भी खाने हम लोग खाते हैं ना, ये एक्चुअली सारे ही हेल्दी होते हैं. हम लोग खाना खाते हैं घर में, नॉर्मली लगता है कि हम बहुत हेल्दी खाते हैं, बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड उसको. आप डिफ्रेंशिएट कीजिए हेल्दी खाने एंड अनहेल्दी खाने का. जनरली ऐसे बात करूंगी, लाइक अनहेल्दी खाना खाने में हम काउंट करते हैं लाइक जंक फूड हो गए, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हो गए, सुगर हो गए एंड आपके व्हाइट सॉल्ट हो गए. ये सारी चीज़ें यू नो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं जो कि अनहेल्दी होते हैं. तो उसको हम अपनी लाइफ से डिस्कार्ड कर सकते हैं. कम्प्लीटली नहीं कर सकते, या इट्स नॉट पॉसिबल फॉर पीपल कि सारी चीज़ों को डिस्कार्ड करके वो बिल्कुल ऐसा जीवन जीने लगे कि लाइक उसको लगे कि लाइफ में कुछ है ही नहीं है, कुछ खा नहीं रहा. ऐसे भी मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी, बट स्टिल कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में यू नो कुछ चीज़ों के लिए आप डेडिकेटेड हो जाएं, कुछ चीज़ों के लिए यू नो बिल्कुल फर्म हो जाए. गाइस इसके लिए अनहेल्दी कब होती है, लाइक ज़्यादा जब हम तला भुना खाते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा रोस्टेड फ्राइड ये सारी चीज़ें खाते हैं तो हमारी स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो मेक श्योर कि आप अपने फूड में ज़्यादा से ज़्यादा देसी घी को इंक्लूड करो, फ्रूट्स को इंक्लूड करो, वेजिटेबल्स को इंक्लूड करो एंड सीड्स एंड नट्स भी इंक्लूड करो. दैट विल गिव यू नो वंडरफुल रिजल्ट, बिकॉज आपकी स्किन भी ग्लोइंग होंगी, आपके हेयर भी हेल्दी होंगे एंड आपको यू नो बहुत ही अच्छा ग्लोइंग स्किन मिल जाएगा. आप देखना कि मैं क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती हूँ अपने फूड में. क्या टॉक अबाउट माई टिप्स नंबर 5 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है. बिकॉज ये टिप्स क्या होता है, आप जितनी भी एक्टिविटी करते हो
एवरी थिंग इज रिलेटेड टू यू नो दिस टिप्स, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है और इस टिप्स को अगर आप रिलीजियसली फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली एक ड्रास्टिक चेंज देखोगे अपनी लाइफ में, बिकॉज आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम है, आपके डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, आपको यू नो हेयर फॉल की प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ों में हेल्प करेगा. एंड दैट इज़ यू नो टेक यू नो प्रॉपर स्लीप, लाइक टेक 7 to 8 hours प्रॉपर स्लीप. अगर आप लेते हो तो आपको इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड आपकी एक बहुत अच्छी हैबिट डेवलप होगी. यू विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओगे और जितना जल्दी उठोगे उतनी जल्दी यू नो आप अपने सारे रूटीन को यू नो स्टार्ट कर दोगे, लाइन को हेल्दी रखने के लिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, जो भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने के लिए. गाइज एटलीस्ट 7 to 8 hours का ये प्रोसेस होता है जो कि हमें रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए. अगर आप नहीं फॉलो करते हो, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें यू नो कभी आप 3 hours का, 4 hours का, 6 hours का स्लीप लेते हो तो डेफिनेटली यू फील टायर्ड, लेजी, आपको बॉडी बहुत ज़्यादा फटीग फील करती है, आप यू विल नॉट फील फ्रेश, आप चिड़चिड़े से फील करते हो. अगर 8 hours भी नहीं ले पाते हो तो एटलीस्ट 7 hours यू मस्ट टेक स्लीप. आप 7 hours का स्लीप कंप्लीट करो, बिलीव मी डू इट वंस, एक बार करके देखो आप, यू विल फील अमेजिंग इन अ वन डे ओनली. अगर उसे कंटिन्यू मेंटेन करते हो तो डेफिनेटली यू गोना सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ, बिकॉज वो सारी चीजें मैंने ट्राई किया है पर्सनली, तो वो थिंग्स बिकॉज उससे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, बहुत ज्यादा आप एक्टिव फील करोगे और बहुत ही एनर्जेटिक यू नो आपकी स्किन की एजिंग कम होगी, ग्लोइंग दिखेगा, हेल्दी दिखेगा और नेचुरली आप ग्लो कर सकते हो गाइज. तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना. साइड में एक बेल बटन दिया होगा उसे भी हिट करना ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए. सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय.